गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग ऑल गवर्नमेंट्स एग्जाम की दृष्टि से कुछ जीके जनरल नॉलेज के महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है नौ सेना दिवस मतलब नेवी डे। नौ सेना दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर होगा 4 दिसंबर। नौ सेना दिवस कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर। दूसरा क्वेश्चन है नौसेना के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? रामदास कटारी। नौसेना का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? रामदास कटारी। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि एनसीसी की स्थापना, एनसीसी नेशनल जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल कैडेट कोर, एनसीसी की स्थापना कब हुआ था? 1948 में, मतलब कि 1948 में एनसीसी की स्थापना हुआ था। लोकसभा कहां का? लोकसभा का सदस्य होने के लिए न्यूनतम कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? लगभग 25 वर्ष। कम से कम आपकी लोकसभा का सदस्य बनने के लिए कम से कम आपको 25 वर्ष होने अनिवार्य है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पांचवें नंबर, आर्य समाज का गठन। इस समाज का गठन स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। आर्य समाज का गठन कहां पर हुआ था? किए थे तो स्वामी दयानंद सरस्वती, लेकिन इसमें क्वेश्चन पूछा गया कि कहां पर हुआ था, तो कहां पर हुआ था? मुंबई में। आर्य समाज का गठन कहां पर हुआ था? मुंबई में हुआ था। किस कानून को तोड़ने के लिए गांधी जी ने 1930 में दांडी मार्च किया था? नमक कानून को तोड़ने के लिए गांधी जी ने 1930 में दांडी मार्च किया था। इस क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चन बनता है, गांधी जी से रिलेटेड क्वेश्चन हर एग्जाम में, ऑल गवर्नमेंट एग्जाम में एक मार्क्स का पूछा ही जाता है। सो गांधी जी को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। सातवां, किस राज्य में समुद्र तट नहीं है? कौन सा ऐसा राज्य है जिसमें समुद्र तट से कोई वास्ता ही नहीं है? वो है राज्य है मध्य प्रदेश ही अपना भारत में एक ऐसा राज्य है जिससे समुद्र तट नहीं लगा हुआ है। अगला, 8 नंबर प्रश्न कह रहा है सबसे लंबी तटीय रेखा किस प्रांत की है, मतलब कि समुद्र से सटे हुए सबसे लंबा भाग किस राज्य का है? वो राज्य है गुजरात। 9वां नंबर प्रश्न कह रहा है भारत के मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है? भारत के बीचों बीच से ठीक कौन सी रेखा गुजरती है? तो वो है कर्क रेखा। ये एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है एग्जाम में। सो इसको आप देख लीजिएगा अच्छे तरीके से, कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है। वो कितने राज्यों से? भारत में 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से गुजरती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है 10 नंबर, भारत की मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? हमारे भारत में जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है? तो हमारे भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति हमारे राष्ट्रपति प्रेसिडेंट साहब करते हैं। हमारे भारत के राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति? मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति हमारे भारत के राष्ट्रपति करते हैं। तो ये थे हमारे गवर्नमेंट एग्जाम के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। अब हम आप लोग के लिए एक छोटा सा चैलेंज लाए हैं जिसका आंसर आप लोगों को मेरे कमेंट बॉक्स में बताना होगा। पहला, हमारे भारत के वाइस प्रेसिडेंट मतलब कि हमारे भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? दूसरा क्वेश्चन, हमारे भारत के शिक्षा मंत्री कौन है? ये दोनों क्वेश्चन का आंसर आपको हमारे कमेंट बॉक्स में बताना होगा। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।